लीजिए फिर चार मिसरे आपकी में मैं गजल भी सुनाऊंगा। बैठे बैठे पढ़ता हूँ ये चार मिसरे जी। और यूं पढ़ता हूँ कि पाते ही इख्तदार बहुत बोलने लगे, क्या बात, कम जर्फ आज जर्फ मेरा तौलने लगे, दो चार देखो मंगे अमीरों की जुबां बोलने लगे, देखो मंगे अमीरों की जुबां बोलने लगे। और फिर चार मिसरे पढ़ता हूँ दोस्तों। मैं थोड़ा सा आपको बतला दूं कि थोड़ी पेट की आंखों में बरम है, लीवर पर है। मैंने धोखे से हाँ कह दिया हारून भाई को, बाद में पता चली कि अपन तो कोर्ट डॉक्टरनी के हवाले चल रहे हैं। इसमें अगर कुछ थोड़ी सी आवाज मावाज में गड़बड़ी हो जाए तो आप लोग बिल्कुल ना घबराएं। आवाज मावाज गड़बड़ हो सकती है, सारी व्यवस्थाएं ठीक ठाक है। पढ़ता हूं मैं फिर चार मिसरे, और चार मिसरे यूं पढ़ता हूं कि बेवफा जमाने पर दिल निसार मत करना, बेवफा जमाने पर दिल निसार मत करना, इन हसीन चेहरों का ऐतबार मत करनाएंगे, इंतजार मत करना। वाह वाह वाह। दुनिया में दो ही आदमी पैदा हुए पहले, एक डॉक्टर, एक बापू आसाराम, दूसरे जलाल महकश। वो जेल में बंद है, हम समदन में मुशायरा पढ़ रहे हैं। मैंने उसको दुनिया का महापुरुष आदमी कहा है, हालांकि प्रणब मुखर्जी ने कहा कि उसे राष्ट्रपति पुरस्कार दिया जाए। मैं चार मिसरे पढ़ता हूं और यूं पढ़ता हूं कि किसी के सर न जाने कौन साइल जाम हो जाए, बुलंदी पर पहुंच कर यूं कोई बदनाम हो जाए, भरोसा कर नहीं सकते किसी भी नेक सूरत पर, न जाने कब कोई इंसान आसाराम हो जाए ना जा। और दोस्तों चित्तौड़गढ़ में एक कवि सम्मेलन में पढ़ा तो एक कवि आया और कहले पाकिस्तान से डर के रहो, बहुत खतरनाक आदमी है। मेरा जब नंबर आया मैंने कहा वे हिंदुस्तान को इतना बड़ा सूरमा प्रधानमंत्री मिला है जो पाकिस्तान को दो मिनट में निपटा देगा। एक दादा खड़े हो गए, अबे कहले क्या बकरिया है, वो क्या निपटाएगा, सूरमा तो एक ही है हिंदुस्तान में जो पाकिस्तान को निपटा सकता है। मैंने वो कौन है, बोले राहुल गांधी। ये सुन के मुझे बड़ी हैरत हुई
मैंने कहा दादा राहुल गांधी वो दो मिनट में पाकिस्तान को कैसे निपटाएगा, तो दादा बोलता है कि जो आदमी 130 साल पुरानी कांग्रेस को निपटा सकता है वो क्या पाकिस्तान को नहीं निपटा सकता। मैं चार मिसरे पढ़ता हूँ। जादू लक्षणों में कोई चल नहीं गया, सर से मगर गुरूर का बादल नहीं गया, बेटे की और माँ की अकल अभी है वही, रस्सी तो जल गई है मगर बल नहीं गया, रस्सी तो जल गई है मगर बल नहीं गया। और फिर चार मिसरे पढ़ता हूं। क्या है समधन? ये समधन है या समधन है? मुझे अपनी समधन याद आ जाती है। मैं चार मिसरे पढ़ता हूं के सारे सियासी खेल शराफत में आ गए, डाकू लुटेरे चोर कयादत में आ गए, जनता का माल लूटने उजले लिबास में, जितने थे जेब कतरे सियासत में आ गए, जितने थे जे माँ के हवाले से बहुत बातें हो रही। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप लोग पढ़े लिखे दिख रहे हो, अम्मा इनका सारा ही है, अब्बा का कोई योगदान नहीं है, वो मुनव्वरा ना वो अम्मा को रोते हैं। हमने एक दिन पूछा कि अब्बा से एलर्जी क्यों है? अगर माँ के कदमों के नीचे जन्नत है तो बाप जो है जन्नत का दरवाजा है, और जब अब्बा दरवाजा खोलेंगे जब तो अम्मा के साथ अपन अंदर होंगे। बेटे मैं यही कहता हूँ कि बात करो दोनों की करो। हालांकि मैं भी ये चार मिसरे पढ़ने से पहले माँ के मुझे शेर पढ़ना पड़ेंगे चार मिसरे, उसके बाद फिर जो मैंने दोनों का हक अदा किया है वो चार मिसरे सुनाऊंगा। पहले चार मिसरे यूं पढ़ता हूं कि ये सच किसी तस्बीह के दाने में नहीं है, ममता से बड़ा मोती खजाने में नहीं है, मिलने को तो मिल जाती है बाजार में हर उसे, माँ जैसी कोई चीज जमाने में नहीं है। अब ये चार मिसरे पढ़ता हूं जिसके लिए मैं ये चार मिसरे पढ़े, और यूं पढ़ता हूं के आंगन में लगे पेड़ से उल्फत नहीं होती, छाओं की मगर किसको जरूरत नहीं होती, दुनिया का खजाना भी जो मिल जाए तो कम है, माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। ऐसे कहना चाहिए, ये नहीं है कि अम्मा को हक दोनों तरफ होता। हमने भी बहुत मेहनत की, लोग शिकायत करते हैं हुकूमत से कि हमें ये सहूलत नहीं मिलती, हमें ये सहूलत नहीं मिलती। मेरी कौम के लोगों बंद करो ये किसी के आगे हाथ फैलाएं, खुद में इतनी कुव्वत पैदा करो कि जमाना तुम्हारी ठोकरों में नजर आए। दोस्तों कुछ नहीं है, मेरे दो बेटे हैं, बड़ा बेटा मेरा असिस्टेंट मैनेजर है रशियन कंपनी में, छोटा बेटा मेरा असिस्टेंट मैनेजर है सरको कंपनी में,
मैंने भोपाल के अंदर 16 बरस थ्री व्हीलर चला के अपने बच्चों को ऐसी तालीम दी कि आज जलाल मह का साहब के सामने खड़ा हुआ नजारा। ये होना चाहिए, कोई किसी से नहीं, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से डरो, कोई हुकूमत मुकर नहीं, दो कौली के टिकिया चोटा क्या देंगे अपन को। मैं चार मिसरे पढ़ के गजल के कुछ शेर पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाए, और चार मिसरे यूं पढ़ता हूँ के पढ़ू शातिर तमाम शहर के धनवान हो गए, इनको नसीब ऐश के सामान हो गए। सुल्तान हो गए कल के लुटेरे आज के सुल्तान हो गए। बस करूंगा, हाँ गजल ही सुनो और क्या धरा। ये काम तो हम रात भर कर सकते हैं, कसम खाए अल्लाह। भाई एक चार मिसरों और सुनना पड़ेंगे, उसके बाद गजल पढ़ूंगा। मैं आपको बताऊं कि मैं 2 साल पहले पाकिस्तान गया, मैं पढ़ रहा हूं भाई, अब बुलाया है तो सुन लो, सुन रहे हो, दोबारा तो आना नहीं है, ये भी हम जानते हैं। एक ही बार पोजीशन बनती है, बाकी बेइज्जती खराब होने ही होती है। मैं जब पाकिस्तान गया 2 साल पहले तो मैं 18 दिन के लिए गया था। मैंने धोखे से ये चार मिसरे पढ़ दिया था। आर्मी के लोग आ गए, बोले जलाल मियां अपना डेरा उठाओ निकल लो। मैंने क्यों, मेरी खता क्या है? बोले साहब हमारी जमीन पे खड़े होकर हम इनको गाली बक रहे और हमसे पूछ रहे कि हमारी खता क्या है। समधन के लोगों, ये सरवर कायनात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब का इरशाद है, फरमान है कि आप जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के ऐसे वफादार होकर रहिए कि आने वाली नस्ल आप पर फख्र करे। कल अगर इस मुशायरे की रूदात छपे तो ये ना कहा जाए कि रात भर सियासी लोगों को कोसा गया, उनको बुरा भला कहा गया। मैं चार मिसरे सच्चे वतन परस्तों के बीच में ये चार मिसरे पढ़ता हूं उस पाकिस्तान के नाम, अगर आप लोग इजाजत दें तो, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हम कलंकित हो रहे हैं। आप जानते हैं जरा सा कुछ करता है हम पर आ चाहती। मैं चार मिसरे पढ़ता हूं और इन चार मिसरों में आप ये बता दें कि ये समधन के लोग सच्चे वतन परस्त हैं, वफादार हैं, गद्दार नहीं है। मैं चार मिसरे पढ़ता हूं के फिर दोस्त में रहना तेरी तकदीर नहीं है, कश्मीर तेरे ख्वाब की ताबीर नहीं है, कश्मीर हमारा है हमारा ही रहेगा, कश्मीर तेरे बाप की जागे। सही चाल चल रहा हूं, अब लोग गजल का मतलब पढ़ता हूं सियासी पश मंजर में। यह गजल मुलाजा फरमाए, मतलब पढ़ता हूं मुलाजा फरमाए। चूंकि हारून मियां ने कह दिया लिफाफा जब ही मिलेगा जब ये पीठ पूरी कसर बाकी करोगे, हमें क्या मालूम था संधन के लोग ऐसे गड़बड़ है, वरना हम पहले ही ले भागते। पढ़ता हूं चार गजल का मतलब, और गजल का मतलब यूं पढ़ता हूं कि नक्शे जिबी सजा के तमाशा नहीं किया, तमाशा नहीं किया, नक्शे जिबी सजा के तमाशा नहीं किया, नक्शे जिबी सजा के तमाशा
सजदा नहीं किया, सजदा नहीं किया, हमने कभी दिखावे का सजदा नहीं किया, सजदा नहीं किया। और हजरत ये शेर सुने, सियासी पसमंजर में शेर पढ़ता हूं के सारी दलील सारे सबूतों के बावजूद, सबूतों के बावजूद, सारी दलील सारे सबूतों के बावजूद, सारी दलील सारे सबूतों के बावजूद, तुमने मेरी वफा पे भरोसा नहीं किया, भरोसा नहीं किया। और फिर शेर पढ़ता हूं, मैं समझ रहा हूं आप लोग थक गए हैं, शेर पढ़ता हूं। और शेर यूं पढ़ता हूं के शोहरत के नाम पर मिली ना कामियां, मगर नाकामियां, मगर शोहरत के नाम पर मिली नाकामियां, मगर शोहरत के नाम पर मिली नाकामियां, मगर हमने कभी जमीर का सौदा नहीं किया, सौदा समदन के लोगों। यह आखिरी शेर पढ़ता हूं तारीख के हवाले से, और शेर यूं है कि हमने दिलों पे राज किया 800 बरस, किया 800 बरस, हमने हमने दिलों पे राज किया 800 बरस, लेकिन तुम्हारे जैसा तमाशा नहीं किया, तमाशा नहीं किया, लेकिन तुम्हारे जैसा तमाशा नहीं। दोस्तों तुमसे मिलकर बड़ी शादमानी हुई, फिर मिलेंगे अगर जिंदगानी हुई।